यूआईएन फॉर्म को लेकर बड़ा अपडेट, आप सभी लोगों का जो कमेंट्स आया था कि यूआईएन फॉर्म कब ओपन होगा, कब खुलेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, अंतिम अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिनका भी यूआईएन फॉर्म ऑनलाइन होना छूट गया है या यूआईएन फॉर्म में कोई त्रुटि थी उनको दोबारा से यूआईएन भरना था, या यूआईएन फॉर्म भर गया था लेकिन यूआईएन फॉर्म वेरीफाई नहीं हो पाया था जिससे आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा था, इन सभी समस्याओं का समाधान विश्वविद्यालय ने कर दिया है। छात्र हित में अंतिम अवसर दिया गया है, यूआईएन रजिस्ट्रेशन फाइनली ओपन हो चुका है। आप सभी को ये बता दें कि वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारी जानकारी मिलेगी कि कैसे यूआईएन भरना है, कब तक भरना है, लास्ट डेट क्या है, दोबारा क्या होगा, जो छूट गए हैं वो बच्चे कैसे भरे, जिनका वेरीफाई नहीं हुआ वो क्या करें, जो एडमिशन नया लेना चाहते हैं वो क्या करें। आप सभी को बता दें सबसे पहले कि विश्वविद्यालय ने जो ये डेट बढ़ाई है केवल छात्र हित में ही बढ़ाया गया है। स्पेशली नोटिस में लिखा गया कि ये केवल स्टूडेंट के हित के लिए किया जा रहा है और जो प्राइवेट विद्यालय हैं, जो विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय हैं, उन सबको शपथ पत्र भी देना पड़ेगा कि जो बच्चे अब नया यूआईएन फॉर्म भर रहे हैं उनका जो कोर्स है वो परीक्षा से पहले वो पूरा कर लेंगे तभी यूआईएन फॉर्म भरा जाएगा। कुल मिला के वेबसाइट पर आप यूआईएन फॉर्म भर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ऑफिशियल जो है कार्यवाही है वो महाविद्यालय विश्वविद्यालय मिलकर कर लेंगे, आपको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि आपको यूआईएन फॉर्म अपना ऑनलाइन करना है, उसके लिए डेट ओपन हो चुकी है। 17 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आप अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यूआईएन फॉर्म भर सकते हैं। यूआईएन फॉर्म भरने के लिए ऑलरेडी वीडियो बना है चैनल पर, वहां देख सकते हैं। बाकी अवध विश्वविद्यालय की वेबसाइट rmluexams.co.in पर आप यूआईएन फॉर्म जाकर भर सकते हैं। यूआईएन की फीस मात्र 100 रुपये है, जिसे आप गूगल पे, फोनपे, किसी भी यूपीआई या एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। यूआईएन संबंधित और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अब डेट दोबारा नहीं बढ़ेगी। जिसको भी प्रवेश लेना है, यानी कि अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया था, यूआईएन भरना है, यूआईएन छूट गया था, किसी भी तरह से अगर आपको यूआईएन ऑनलाइन करना है तो 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ही यूआईएन ऑनलाइन होगा। यूआईएन ऑनलाइन करने के बाद तुरंत अपने महाविद्यालय में जमा करके उसे सत्यापित जरूर करा लें जिससे आप अपना फॉर्म भर पाएं। जो बच्चे अब यूआईएन फॉर्म भरेंगे उनका परीक्षा फॉर्म कब भरा जाएगा उसके लिए नया वीडियो आ रहा है, उस चैनल पर बने रहिए। पुराने बेल आइकन प्रेस करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने उस दोस्त तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए जिसको यूआईएन फॉर्म भरना था छूट गया था। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।